नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक शुरुआत कह लीजिए, एक कमेंट आया था कि सर नया गीत का धुन, नया गीत का क्रिएशन, उसका तर्ज बनाना कैसे होता है। ये श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ आज, उसकी एक नींव मैं रख रहा हूँ। एक गीत मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था, मैं खुद से लिखा था, खुद से उसका धुन बनाया था। वो गीत काफ़ी फेमस हुआ है, शिक्षण संस्थानों में गाया भी जा रहा है। लोक शिक्षा समिति हमारे यहाँ विद्या भारती के अंतर्गत जो विद्यालय चलते हैं उसके मासिक गीत के रूप में इसका सिलेक्शन भी हुआ है। राग भागश्री पे आधारित ये गीत मैंने इसका जो धुन बनाया वो राग भागश्री में बनाया था। तो पूरा गीत आप लोग को सुनना चाहिए। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट लोग हैं और राग भागश्री के कुछ अलाप आरोह अवरोह करके मैं वो गीत आप लोग तक, गीत इतना अच्छा, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, इंस्पायर करने वाला मोटिवेशनल सॉन्ग मैंने लिखा था अपने आप को ध्यान में रख के, कि लोगों को अपने कर्म मार्ग पे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं जो ये श्रृंखला आगे बढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि गीत लिखा कैसे जाता है, लिरिक्स कैसे, राइटिंग के टाइम में क्या सोचना चाहिए, उसका तर्ज बनाने के लिए क्या सोचना चाहिए, ये तमाम बात पे चर्चा आगे होगी। ये एक नींव रख रहा हूँ एडवांस लेसन के रूप में, कि आगे जब आप लोग इस लेसन के साथ जुड़ के रहेंगे, हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, तो खुद से गीत लिखना और उस गीत का खुद तर्ज बनाना ये कैसे संभव होगा, ये चीज़ आप सीखते रहेंगे। आइए आज ये नींव को देखते हैं कि मेरा अपना लिखा हुआ गीत राग भागश्री में मैंने अपना धुन बनाया है, इसको सुनते हैं और एनालिसिस करते हैं कि नया क्रिएशन किस हिसाब से किया जाता है। आइए पहले राग भागश्री का आरोह अवरोह पकड़ के साथ गीत की तरफ बढ़ते हैं। राग ताल कहरवा में है, राग भागश्री में है, पूरा वीडियो देखिए। हमने सीखा है सूरज से रुकना कभी न रहूंगी।
आपका एक एक शब्द आदमी को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए गौर से सुनना और उस चीज को जहन में उतारना, ये बड़ी बात है। पर्वत से गिर कर भी चढ़ना आगे बढ़ता जाता है। किया हुआ आप लोग के लिए इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि ये जो श्रृंखला आगे बढ़ेगा तो अपना गीत लिखना, खुद का गीत बनाना इस श्रृंखला के साथ जुड़ के, पहले तो इसको थोड़ा सा राग भाग्यश्री में, हालांकि राग भाग्यश्री का जो लेशन में बनाया हूं उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो राग भाग्यश्री के क्या नोट लगते हैं वो सारा चीज देख लीजिएगा। और इस गीत का लिरिक्स मैं लिख दिया हूं, तो लिरिक्स के साथ इस गीत को आप गाइएगा, गुनगुनाइएगा, ताकि ये श्रृंखला जब आगे बढ़ेगा नए नए गीतों का क्रिएशन करना तो उसमें आप लोगों को कठिनाई नहीं आए और निश्चित रूप से आप लोग एडवांस श्रेणी में जाके खड़ा हो जाए कि खुद का अपना बनाया हुआ क्रिएशन आप लोग कर सकें, अपना गीत लिख सकें, गा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार, देखते रहिए हमारे चैनल को, आगे बढ़ते